हेलो दोस्तों। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपन लोगों को कि जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है जीमेल अकाउंट में, उसको कैसे ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सो गाइस, आपको पहले करना क्या, अपना प्ले स्टोर में जाकर अपना जीमेल अकाउंट को पहले अपडेट कर लेना है ताकि उससे कुछ फ़ायदे हो सकें, नया वर्ज़न आ सके। सो गाइस, यहाँ पर मेरा अपडेट किया हुआ है, सो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ यहाँ जीमेल अकाउंट को अपना। सो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पे अपना आइकन दिखता होगा, उस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है। सो यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, पर्सनल फोन डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग और भी हैं गाइस। सो आपको जाना है सिक्योरिटी के ऑप्शन पे। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइस, टू स्टेप वेरीफिकेशन मेरा ऑफ किया हुआ है गाइस। तो गाइस, अगर मुझे ऑन करना है तो इस पर क्लिक करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। सो गाइस, यहाँ पर गेट स्टार्टेड करना है। सो गाइस, यहाँ पर आपका जो जीमेल अकाउंट है उसका पासवर्ड मांगेगा। सो अब मैं भी यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। सो यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है। सो गाइस, अब यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। सर, यहाँ पर हमारा कुछ टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आएगा। सर, अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन है टर्न ऑफ था, तो अगर आपका टर्न ऑन था तो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा टर्न ऑफ था तो हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आपको टर्न ऑफ करना है तो यहाँ टर्न ऑफ का ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, उसके बाद आप बैक हो जाएँ। सर, मुझे टर्न ऑफ ही रखना है। अगर आप लोगों को भी टर्न ऑफ रखना है तो टर्न ऑफ ही रहने दें। सो गाइस, यहाँ पर मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन तो ऑफ ही है, ऑफ था ही, सो मैंने ऑन नहीं किया। सो गाइस, आपका अगर ऑन था तो आप भी, मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको ये नहीं पता था। अगर हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।